मॉर्निंग गाइस, हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से सुबह सुबह। अभी नैनीताल के अंदर ही हैं, लेकिन जा रहे हैं कैची धाम बाबा नीम करौली जी के धाम पे। वहां पर दर्शन करेंगे, रास्ते में जाते जाते हम नाश्ता करेंगे। उससे पहले हमने नमकीन ले ली है जो कि बहुत फेमस है नैनीताल की, और तो कुछ खास नहीं है। और आज सुबह सुबह पहाड़ के लोगों ने, यहाँ नैनीताल के लोगों ने हमारा अच्छा बेवकूफ बनाया। कभी नीचे भेज देते थे, कभी ऊपर भेज देते थे नमकीन लेने के लिए। सुबह सुबह ही 10,000 कदम करवा दिए। पीस आउट। नीचे वाले बोलते थे ऊपर है, ऊपर वाले बोलते थे नीचे है। हम ऊपर नीचे घूम रहे थे, बीच में एक गली जा रही थी, हमने वो ध्यान ही नहीं दिया। तो उसमें पहाड़ियों की गलती नहीं है, पहाड़ियों ने बोला था तो पहाड़ी को समझना चाहिए था ना। वो बीच वाली मार्केट हो सकती है, ये भी आइडिया मैंने ही दिया था। तो वो पहाड़ी तो नहीं गलत है, तो तू पहाड़ी गलत है ना। मतलब चंगा क्योंकि मैं आधी पंजाबी हो गई हूँ ना और करो बेइज्जती। वो आधी पंजाबी वाला पोर्शन ही सही है गाइस, मजाक चल रहा है, प्लीज इस बात पे कोई सीरियस ना हो या हो जाओ। अब हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल से। तो गाइस अब हम लोग रुके हैं कुछ खाने के लिए। चलो पहाड़ों की मैगी खाएंगे। तो गाइस यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू है, टेम्परेचर एकदम बढ़िया मस्त हो रखा है। मैगी मूवी अच्छा था, है ना? वही खाएंगे पहाड़ों में आके, मैगी और चाय तो होती है। तो गाइस मैगी आ चुकी है, पहाड़ों पर मैगी काफी अच्छी लगती है ना, और व्यूज वगैरह भी काफी अच्छे हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रामनगर वापस, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रश था उस जगह पर जहाँ पे हमने जाना था, और अगर हम वहाँ जाते तो हम शाम तक वहाँ से नहीं फ्री हो पाते। सो इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट रामनगर जा रहे हैं अपने घर, और क्योंकि उसके बाद फिर हमें आगे एक और जगह जाना है हनुमान धाम विद फैमिली। सो इसलिए बाकी ये रास्ता आप देख सकते हो कितना 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 सुंदर है मेरा गांव। काश एमराल्ड और यारा ग्लेन के रास्तों में भी ऐसे मैगी के ठेले लगते है ना, आई स्वेयर मजा आ जाता। मजा वॉर बटन के रास्ते में, वॉर बटन तो मेरे को लगता भी ऐसी है नैनीताल टाइप सी लगता है। वैसे यहाँ पे जैसे पेड़ है, ये देखो च्यूती के पेड़ है, वैसे वहाँ पे भी होते हैं। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पहाड़ी में तो च्यूती बोलते हैं। ये वाला व्लॉग तो स्पेशल ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए ही है, क्योंकि इंडिया में रहकर तो फिर भी सब लोग देख ही लेते हैं, एक ना एक बार तो पहाड़ जा ही आते हैं। वेरी सेफ सड़क के दिखाओ, नो बाउंड्रीज नथिंग। और सीता दीची यो, हमारे गांव में कल ही एक बस पलट गई जिसमें 50 लोग बैठे थे, जिसमें से 30 की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। 38 की डेथ हो गई है, और नॉर्मल बस ही थी वो, काफी स्पीड से जा रही थी क्योंकि यहाँ के रास्ते है थोड़ा लाइक, चलिए बाउंड्री भी है बट ये बाउंड्री भी किसी वैसे किसी नहीं, जगह पे बाउंड्री नहीं होती ना, वहाँ पे फिर बहुत रास्ते भीड़े भी बहुत है यहाँ पे। हाँ बहुत तो ज्यादा ओवरटेक वगैरह या टर्न लेते टाइम, जैसे अभी ये टर्न है ना, यहाँ पे कोई बाउंड्री भी नहीं उधर, बस पेड़ ही है ये छोटे छोटे से, तो ये चीजें बहुत रिस्की होती है। इस साइड तो फिर भी ठीक है, जिस साइड बस पलट गया ना हम लोग वहां जाए लाइक उस तरफ जाएंगे हम लोग कल परसों में मरचुला के छोले खाने
मेरे फेवरेट है मरचूला के छोले और मुझे बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी जब हम आ जाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो हम लोग आ गए थे घर, हमने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम मंदिर। और बहुत अच्छा मंदिर है, वहां जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहां का व्यू वगैरह। उसके बाद हम लोग जाएंगे फैमिली डिनर पे बाहर। हेलो गाइस, चाय पी लो, बोल दे पूरा। इसको बोला जाए ये स्कूल गया था। ओके बाय बाय, चाय पी लेना। इसको बोला जाए चाय पी लेना। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग हनुमान धाम मंदिर। हम लोग आ चुके हैं, पता नहीं मम्मी बता रहे थे मुझे तो। प्रसाद हमने ले लिया बूंदी वाला, जो कि इनका फेवरेट हुआ करता था बचपन में। गाइस हम लोग पहुंच गए मंदिर। कौन से मंदिर? हनुमान धाम। ओके तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर, बट यहाँ पे अंदर कैमरा वगैरह ले जाना मना है, तो इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मैं आप लोगों को आसपास का पूरा दिखाऊंगी, जो कि बहुत अमेजिंग व्यूज वगैरह होगा। चलो जहाँ तक नहीं मना करते वहाँ तक तो दिखाऊंगी। नहीं बना सकते तो गाइस तो गाइस वहाँ पे अलाउड नहीं था, बट स्टिल मैंने थोड़ा थोड़ा करके कर लिया था। और जब तक हम लोग पहुंचे थे तब तक ब्लॉगिंग हो चुकी थी। वो लाइटें देख रहे हो? हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं हनुमान धाम मंदिर। ओके अभी हम लोग जा रहे हैं शिव जी और माता रानी के मंदिर में। ठीक है गाइस, इसका साबुन स्लो है, जो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ वही चीज ये दोबारा बता रहे तो ये है दुर्गा मंदिर। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद। और ये मेरी पूरी फैमिली। ये देखो गाइस अनोखा तरीका। अभी देखना अभी इसका अनोखा तरीका। पहले टेढ़ा हो रहा हूँ, पहले पता चल गया ना कहाँ का मुझे आदत है। अभी कहते हैं बच्चों की इस टाइम की जरूरत वैसी होती है। वो तो घूम जाएगा पूरा मंदिर, तो जाना बिस्तर हमको घूम जाएगा। तो गाइस ये मंदिर का व्यू तो रात को ही अच्छा होता है। मम्मी मम्मी कहा था कि मम्मी अंधेरा हो रहा है वहाँ। और सारे के सारे अब फोटो सेशन पे लगे हुए हैं। आओ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो गाइस बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये लास्ट टाइम है बस। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे डिनर के लिए।
वो वहाँ फोटो सेशन कर रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचना था डिनर करने के लिए। काफी अच्छा लग रहा है। पापा लोग वो है, भैया लोग की गाड़ी उतर है, हम इसमें आ गए हैं। सबसे शरारती बच्चे चौहान खानदान का। शुरू होगी इसकी शरारतें। शूज निकाल के भाग रहा था। कहाँ नहीं गए दोनों के दोनों। तो गाइस अब हम लोगों ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है, अब हम लोग आ गए हैं दूसरी जगह पे और ये है ग्रीन रिट्रीट रिजॉर्ट। और आज हम यहाँ डिनर करने वाले हैं क्योंकि वहां पर कुछ चीज आई डोंट नो क्या था, तो फिर वो सेटिंग सी नहीं बैठी वहां पे, तो इसलिए हम लोग नई लोकेशन पे आ गए। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं रिजॉर्ट और ये है अनिल भैया का रिजॉर्ट। जो नहीं जानते, ऑब्वियसली कोई नहीं जानता, तो ये बड़े भैया के बेस्ट फ्रेंड है अनिल भैया, तो ये उनका रिजॉर्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो गाइज यहाँ पे काफी बड़ी और काफी अच्छी स्पेस है, सो आई गेस इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ आते ही पापा ने यहाँ आते ही पापा ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। भैया लोग वहाँ पे हैं और अब पूरी वो चल रही है। यहाँ आते ही इन्होंने क्रिकेट शुरू कर दिया। क्या हो गया, भूख लग गई? तो क्या क्या आ गया अभी तक? चिली पनीर ही है, कुकीज़। ये रैप करके और अंदर सारे झिंगड़े पिंगड़े बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बड़े भैया के फ्रेंड का रिजॉर्ट है, तो इसलिए हम लोगों ने एक रूम ले लिया है यहाँ पे, सो दैट हम लोग कंफर्टेबल हो जाए। बच्चे बच्चे भी थे तो काफ़ी परेशान करते हैं बाहर बैठ के, सो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद डिनर के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बाहर जाएंगे, खाना जो कुछ भी है वो अंदर ही आ जा रहा है। क्या खा रही है सोना? सब मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो? कौन इधर बाहर से इसको खारे इसको। ब्लॉगर मैडम गुस्से हो गई थी कि आज उनका आउटफिट नहीं दिखाया गया। पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये उन प्राणियों में से आते हैं जो खुद की चार चार पांच पांच साड़ियां लेके भी अपनी मम्मी की साड़ी पहनते हैं। इसमें माँ का प्यार है, ये थोड़ी मेरे को वहां मिल सकता है। 10 साड़ियां मैं ले दूं चाहे नहीं, तो बेटी का प्यार भी देके जा कुछ उनको। बेटी का प्यार इतना लेके आ रखी हूँ ना। तो गाइस हम लोग रूम से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, डिनर टाइम, और यहाँ पे बफे सिस्टम है। ओह ये कब पहुंची यहाँ पे? उसी ने तो बताया। मेरे को क्या पता कहाँ से। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेमन कोरिएंडर सूप, वेज नूडल्स,
पालक पनीर, मिक्स वेज, पंजाबी दाल तड़का, स्टीम राइस और नान। तो गाइस अब हम लोग का चल रहा है फैमिली डिनर, पापा और ताऊजी बच्चे संभाल रहे हैं और हम लोग डिनर कर रहे हैं। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा आज का दिन यही खत्म होता है। ये लगे हैं फोन में। हाँ जी ऐसा पिटेगा ना, हाँ जी ऐसा पिटेगा ना। चलो गाइज चलते हैं, पापा बाय करो, मम्मी बाय करो, बाय बाय, शिवी बाय कर, बोलो कि गुड नाइट, राम राम, शिवरात्रि।